नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी को टिकराज यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने ओप्पो फाइंड 7A या फिर किसी भी ओप्पो मोबाइल में कैसे आप अपना वाईफाई जो आपका काम नहीं कर रहा है, वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा है, या फिर वाईफाई की रिगार्डिंग आपका जितना भी प्रॉब्लम है उसे आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो के साथ बने रहिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना और इस वीडियो को एक लाइक अभी के अभी कर दीजिएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि यदि आप ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं तब आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए बिना देर के वे शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों चलिए हम अपने सेटिंग्स पे चले जाते हैं और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जैसे हम वाईफाई पे क्लिक करते हैं, अब यहाँ पे हम अपना वाईफाई को ऑन कर देते हैं तो क्या होता है कि दोस्तों यहाँ पे हम कोई भी वाईफाई को कनेक्ट करने का कोशिश करते हैं, पासवर्ड भी भर देते हैं, यहाँ पे नेटवर्क सेटिंग भी कर लेते हैं, फिर भी यहाँ पे वाईफाई यहाँ पे सेट नहीं होता है। ठीक है, यदि हम एडवांस सेटिंग में भी चले जाते हैं, यहाँ पे स्कैन वगैरह भी कर लेते हैं, सारा कुछ कर लेते हैं, फिर भी यहाँ पे काम नहीं करता है, तब दोस्तों हमें क्या करना है, अभी हमें क्या करना है कि दोस्तों सबसे पहले तो दोस्तों क्या करना है, हमें यहाँ पे सिस्टम हमें चेक कर लेना है सिस्टम अपडेट्स पे। ठीक है, यदि सिस्टम अपडेट्स आपको यहाँ पे दिखाई देगा तो आपको सिस्टम जो है वो अपडेट कर लेना है। क्या होता है कि दोस्तों यहाँ पे मोबाइल कंपनी की तरफ से हमें सिस्टम अपडेट करने के लिए देता है, तब क्या होता है कि अभी वाईफाई के अंदर में कोई नया लेटेस्ट मतलब इनबिल्ट कोई उन्होंने अपडेट किया है, तब क्या होता है कि वाईफाई काम नहीं करता है। ठीक है, कोई कॉल्स के ऊपर करता है या फिर किसी के ऊपर उन्होंने अपडेट लाया तब क्या होता है कि वो काम नहीं करता, इसलिए आपको ये जो है सॉफ्टवेयर आपको अपडेट करना ही करना है। ठीक है, चलिए अभी बैक चलते हैं, सॉफ्टवेयर तो अपडेट कर दिया, अभी दूसरा ऑप्शन आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको जाना है अपने मोबाइल के सेटिंग्स पे, उसके बाद में एडिशनल सेटिंग्स और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे बैकअप एंड रीसेट पे जाना है, उसके बाद में रीसेट टू फैक्ट्री सेटिंग पे जाना है और यहाँ पे रीसेट सिस्टम सेटिंग्स ओनली पे आपको क्लिक करके यहाँ पे आपका मोबाइल का जो सेटिंग्स है सारा सेटिंग्स को आपको रीसेट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे रीसेट कर दीजिएगा, रीसेट करने के बाद में आपका मोबाइल जो है एक बार स्विच ऑफ करके ऑन कर लीजिए, रीसेट कर लीजिएगा, तब आपका जितना भी प्रॉब्लम है वाईफाई की रिगार्डिंग वो सारा सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।